हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुलाब गार्डन में। आज हम जिस प्लांट के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है पारचूला का। बहुत ही प्यारा प्लांट है, डिफरेंट कलर इसमें हमें अवेलेबल होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे बर्ड्स अभी मेरे प्लांट के ऊपर आ चुके हैं। इनका जो कारण है इतने सारे बर्ड्स बनने का, वो आज आपके सामने मैं रखूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। कई लोग पूछते हैं कि हम अपने पारचूला के अंदर ऐसा क्या डाल लें कि वो ज़्यादा बूशी बन जाए और बर्बर के फ्लावरिंग करें। तो हमने इसमें कुछ डालना नहीं होता, हमें दो तीन जो टिप्स होते हैं ना उनको फॉलो करना पड़ता है सिर्फ। जी हाँ, हमने सिर्फ दो तीन टिप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। वो टिप्स कौन सा है? पहला कि जैसे ही हम पारचूला का प्लांट को लगाते हैं, कटिंग से भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। अगर हमारे पास पिछले साल का कोई प्लांट बचा हो तो हम इससे उसमें से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले जैसे हमने अपना प्लांट लगा दिया, जैसे हमने ये एक इसकी एक जो टहनी है वो लगा दिया, तो लगाने के बाद जैसे आप देखें कि इसकी जो इसकी ग्रोथ है वो चल चुकी है, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर से इसका जो फर्स्ट बर्ड है उसको तोड़ देना है। आप देखोगे कि ये बर्ड तोड़ने के बाद इसके अंदर ना बहुत सारा फुटाव निकल आएगा। तो हमें ऐसे ही ना कम से कम एक महीना ऐसे ही करना है। एक महीने के बाद आप देखोगे कि आपका प्लांट इतना ज़्यादा बुशी हो जाएगा और ये भर भर के फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। जो दूसरा इसका टिप्स है, जैसे ये फ्लावर है ये वाला, अब ये सूख चुका है, इसने अपनी फ्लावरिंग ये ख़त्म करके अभी सूखने लग गया, अभी इसमें सीड्स बनने लग गए हैं इसके अंदर, तो हमने इसको उतार देना है यहाँ से। उतारने के बाद आप देखोगे इसके अंदर एक कैप बनी होती है, आपने इस कैप को भी उतारना है, आपने इस कैप को उतार देना है, इस कैप को ना किसी नाखून से या किसी भी कोई लकड़ी से इसको आपने निकाल देना, जिसके इससे इसके अंदर ये सीड्स ना बने, क्योंकि अगर ये सीड्स बनाना शुरू कर देगा तो बहुत सारी एनर्जी ना ये इसमें अपनी खपत कर लेगा। तो आपने दूसरा टिप्स ये करना है कि जो भी आपका फ्लावर खिल के सूख जाए तो आपने उसकी पिंचिंग जरूर करनी है, पिंचिंग करनी है आपने इसकी। ये दूसरा टिप्स है इसका। हमने इसके अंदर डालना कुछ नहीं होता, ये कभी किसी भी फर्टिलाइज़र की वजह से कभी ग्रो नहीं होता। हमने सिर्फ ये दो तीन टिप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद देखना इसका रिजल्ट देखने लायक होगा, आपका जो पारचूला का ना वो भर भर के फ्लावरिंग करेगा। और तीसरा टिप्स मैं बताता हूँ आपका आपको इसके बारे में। आपने जैसे एक ब्रांच को एक पोट में लगा रखा है, तो आपने क्या करना है, जैसे आपका वो जो ब्रांच आपकी ग्रोथ पे आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी दो तीन ब्रांच को ना उसी पोट में और लगा देना है। जी हाँ, आपने इसको दो तीन ब्रांच को और लगा देना, क्योंकि कई बार बारिश में ना इसका मरने का खतरा रहता है जब बारिश पड़ती है। तो अगर आपका सिंगल प्लांट है ना, अगर वो मर भी गया तो जो आपने एक्स्ट्रा दो तीन ब्रांच लगाई है तो वो सर्वाइव कर जाएंगी और आपका पारचूला का ना बच जाएगा, और हाँ अगले सीजन के लिए भी आपका पारचूला का बच रहेगा। इसको हम सीड से अगर ग्रो करेंगे, अगर हम इसको सीड से ग्रो करते हैं ना, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि इसके जो फ्लावर हैं उनका साइज ना बहुत ही छोटा होता है, वो उसमें इतना मज़ा नहीं आता जो इसकी लुक में आ रहा है। अभी देखिए, अभी मेरा पारचूला का ना पूरी बर्डिंग पे आ गया आज, मैं इसलिए इसको इसकी आज वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, अब ये भर भर के फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। ये देखिए कितने बर्ड्स अभी इसके ऊपर आ गए। ये देखिए, मैंने शुरू में इसकी पिंचिंग ही की थी, मैंने इसको फ्लावरिंग पे नहीं आने दिया, बस मैं इसकी पिंचिंग करता रहा, और ये अभी पूरा भर चुका है। और भी एक अगले एक महीने में, मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट में देखना, मैं इस पर जब वीडियो डालूंगा तो देखना ये कितना ज़्यादा बुशी बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये नॉलेज कैसी लगी, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए टाटा बाय।